हाईवे में नाम आकाश और आज की इस वीडियो में फिर से जो है गाइस वो क्रिस्टल माइक लगाने के ऊपर प्रैक्टिकल वीडियोस मैंने बनाया, क्योंकि बहुत सारे लोग को अभी भी प्रॉब्लम आ रही है कि क्रिस्टल माइक किस तरीके से आसान तरीके से जो है वो रिप्लेसमेंट करे जियो या किसी भी फ़ोन में। देखो सिंपल है गाइस, इस वीडियो का अगर आपने जो है ना वो 5 मिनट देख लिया तो मेरा पूरा दावा है कि आप कभी भी जो है वो गलत नहीं कर पाएंगे। माइक आपसे 100% वर्क करेगी अगर माइक जो है वो अच्छी कंपनी की होगी तो। सिंपल है, आपको इस तरीके से स्क्रैच करना है, यहाँ पे जहाँ पे मैं स्क्रैच कर रहा हूँ ब्लेड से, आपको जो है वो 11 नंबर की ब्लेड लेनी है, शाइनिंग लाना है, वहाँ पे कॉपर जो है ट्रैक को आपको घसना है। घसने के बाद जो है ना वो कॉपर की जैसी साइन आ जाएगी वहाँ पर, जब साइन आ जाए तभी आप जो है ना वहाँ पर पेस्ट लगाओ। इस तरीके से एक पेस्ट लगाना है आपको, और आपको अपना जो है ना PPD यूज़ करना है या शोल्डर वायर जो भी आपके पास हो वो आपको यूज़ करना है वहाँ पे। और देखो यहाँ पे मैं शोल्डर वायर ले रहा हूँ, थोड़ा सा शोल्डर वायर यहाँ पे मैं ऐसे लगाऊंगा, जस्ट बस इतना ही शोल्डर वायर लगाना है और वेट करना है। देखो जब यहाँ पे ना अभी मेरा जो शोल्डर आयरन है इसका जो टेम्परेचर है वो मैंने 450 डिग्री पर सेट किया है, तो ये अभी थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि कंपनी की जो PPD होती है वो 280 डिग्री पे मेल्ट होती है, तो ऐसे में जो है ना तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर वो मिल के थोड़ा सा टाइम लेगा ये माइक निकलने में। इस तरीके से आपको सिंपली तरीके से जो है वो रिमूव कर लेना है। यहाँ पे देखो अभी जो है ना, अगर ये सेम मेथड आप SMD के थ्रू भी फॉलो कर सकते हो, देखो माइक निकल गई, सेम मेथड जो है वो SMD के थ्रू भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको SMD के थ्रू जानना है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, अगर आप बहुत सारे लोग कमेंट करोगे तो मैं फिर से वीडियोस बना दूंगा और मैं बताऊंगा कि किस तरीके से SMD के थ्रू जो है वो रिप्लेसमेंट करना होता है। बट अगर अभी आप ध्यान दोगे, क्योंकि यहाँ तक बहुत सारे लोग जो है ना वीडियो को देख के चले जाएंगे कि क्या बोरियत वीडियो है, लेकिन नहीं गाइस, अगर आप 5 मिनट इस वीडियो को देख लेते हो ना तो आपको बहुत ही काम की ट्रिक्स जो है वो मैं शेयर करूँगा। अब सिंपल आपको डीशोल्डिंग वायर लेनी है, डीशोल्डिंग वायर के थ्रू यहाँ पे जो सरफेस है इसको क्लीन करना है। देखो मैं भी आपको करके दिखाता हूँ, डीशोल्डिंग वायर लेता हूँ और इस सरफेस को जो है वो जो है ना पूरा क्लीन करेंगे, जो मैंने माइक का पॉइंट है उसको एकदम चिकना कर देंगे, जैसा कि हम डीशोल्डिंग वायर का यूज़ करके जब IC के लिए करते हैं तब क्लीनिंग के लिए, वैसी सेम हमें जो है ना ये पूरा क्लीन करना है। और क्लीन करने के बाद देखो डीशोल्डिंग वायर मिल गया, अभी इस तरीके से मैं यहाँ पे रफ़ करूँगा और पूरा जो है वो क्लीन कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लीन करना है, क्लीन करने के बाद यहाँ पे देखो इस तरीके से मैं जो है ना पूरा जो भी दाने के ऊपर शोल्डर लगा हुआ है वो पूरा प्लेन करना है आपको, ठीक है। वो क्यों करना है अभी आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और ये जो है वो बेस्ट ट्रिक है, 101% आपका जो माइक अगर ख़राब कंपनी का नहीं होगा या माइक पहले से ख़राब नहीं होगा तो इस ट्रिक में माइक आपका कभी भी ख़राब नहीं होगा। देखो अभी एकदम पूरा प्लेन हो गया, तो इसको अच्छे से यहाँ पर ब्रश से क्लीन कर लेता हूँ मैं। क्लीन करने के बाद अब देखो लाइन जो है वो पूरा प्लेन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 138 डिग्री की PPD यूज़ करनी है। मार्केट में जो है ना आपको बहुत सारी कंपनी की PPD आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये जो है 138 डिग्री की PPD है, आपको साइड में दिख रहा होगा, यहाँ पर ये जो 138 डिग्री की PPD है रिलाइफ की है, ये यूज़ करना है आपको। यूज़ किस तरीके से करना है, देखो यहाँ पे रखने के बाद आपको शोल्डिंग आयरन का टेम्परेचर जो है वो 300 तक रख लेना है या 250 रख लो, आपकी मर्ज़ी। 138 डिग्री 200 पे भी मेल्ट हो जाएगा, तो आप 300 रख लो, क्योंकि मेल्ट होने के बाद वहाँ पे स्टिक करना चाहिए। यहाँ पे स्टिक करने के बाद आपको ना ये देखो इस तरीके से स्टिक करना है पूरा जो पेस्ट, आपको ट्वीज़र मतलब एकदम हल्का सा लेना है और वो अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको दाना बनाना है उसके ऊपर, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा, मैं अभी आपको मार्क करके दिखाता हूँ। देखो इस तरीके का दाना बनाना है, अभी पहले तो इसको क्लीन कर लेता हूँ तभी आपको दिखेगा। तो यहाँ पे मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ, ये देखिए मैंने क्लीन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दाना जो है वो उभर के दिख रहा होगा, है ना, ये दाने पर आपको थोड़ा सा पेस्ट लगाना है यहाँ पर,
अभी आपको पेस्ट लगाना है, और पेस्ट लगाने के बाद जो है ना ये दाने पे आपको माइक की पोजीशनिंग करनी है। देखो मैं अभी आपको मार्क कर रहा हूँ कितना उभरा हुआ दाना नज़र आ रहा है आपको वीडियो में, ऐसा उभरा हुआ दाना आपका भी वहाँ पे बनना चाहिए। एकदम भी उभरा हुआ नहीं, मोटे मोटे नहीं, नॉर्मल जैसे ये चारों दाने हैं वैसे, ठीक है। अब ये चारों दानों को आपको क्या करना है, वहाँ पर थोड़ा सा पेस्ट लगाना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर देखो हल्का सा पेस्ट लगाया है। अब माइक को हमने वही पोजिशन पर रखना है, ठीक है। नया माइक भी आप ले सकते हो, नया माइक यहाँ पे मैं वही माइक यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन नया माइक भी आप यूज़ कर सकते हो, नए माइक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ऐसा पोजीशन करने वाले को माइक कैसे अपने आप घूम गई, मैं एक बार स्लो मोशन करके दिखा रहा हूँ। देखो ये देखो माइक कैसे घूमी, ऐसा अगर आपकी माइक घूम जाती है बस हो गया। ये सिंपल मतलब मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 सेकेंड में ये माइक ने पोजीशन ले लिया। अगर इस तरीके से आप माइक लगाओगे तो आपका माइक कभी भी वर्क जो है ख़राब नहीं होगा और हमेशा वर्क करेगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ट्रिक्स अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू।